हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब हम जो क्लास टेंथ की साइंस देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे? क्लास टेंथ की साइंस, और इसका जो चैप्टर वन है इसके हम देख रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख रहे थे, इसको हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक मेन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि अगर आप एक बार हमारा वीडियो देख लें तो वो जो है आपको बिल्कुल परफेक्टली याद हो जाए, दोबारा से उस क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इस प्रकार से हम यहीं पर आपको वो क्वेश्चन जो है वो याद करवा देंगे, बिल्कुल कभी जिंदगी के अंदर नहीं भूलोगे। इस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन जो है आपको दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस किस हम जो है वो इसके अंदर फ्लश करते हैं, जो ऑयल से बने हुए या फिर जो जिनके अंदर फैट होता है, ऐसा अगर जैसे फूड आइटम है उनके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। हमारे को इसका रीजन बताना है। जैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझो चिप्स का आपने पैकेट देखा होगा, चिप्स के पैकेट के अंदर जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, क्या लगता है आपको? वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो अगर आपसे कहीं पर भी कोई भी पूछे कि भाई जो खाने की चीजें होती हैं उसके अंदर, उसका जो पैकेट होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भरी हुई होती है। यहां तक की बात अगर समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि खाने की जितनी भी चीजें हैं जिनके अंदर जो या तो ऑयल से बनी होती हैं या फिर जिनके अंदर फैट होता है। अक्सर जो चिप्स होती हैं उनके अंदर तो ऑयल भी होता है क्योंकि ऑयल के अंदर ही वो बनी हुई होती हैं, और अगर ऑयल नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है तो उसके अंदर फैट तो होता ही है, क्योंकि जैसे मान लो कि भाई चिप्स जो है वो किससे बनी होती है, आलू से बनी होती है। अब आलू से बनी हुई है इसका मतलब उसके अंदर फैट तो बिल्कुल भरा पड़ा है, तो इसके लिए हम जो है इसके पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ऑयल से बनी हुई या फिर जिनके अंदर फैट होता है उन चीजों के अंदर हम नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, भरते तो हैं ये तो क्वेश्चन नहीं बता दिया हमारे को, लेकिन क्यों भरते हैं, क्यों फ्लश करते हैं, ये हमारे को उसका रीजन बताना है। तो यहां तक का तो हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा था, लेकिन आप जो है याद रखेंगे कि खाने की जो चीजें होती हैं कौन सी, जैसे मान लो कोई ऑयल से बनी हुई है, जैसे ऑयल में हम जो तलते हैं ना, पूड़ी बनाते हैं वो सब, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है फ्लश करते हैं। तो वो क्यों करते हैं ये हमारे को यहां पर बताना है। देखिए एक टॉपिक होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, ऐसी कोई सी भी खाने की चीज जो कि ऑयल से या फिर फैट से या फिर दोनों, ऐसी कोई सी भी चीज होती है तो जब ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आती है, यानी कि एयर के, एयर का मतलब हम क्या समझते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भरी पड़ी है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब सर ऑक्सीडाइज हो गए तो क्या हो गया, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं ये चीजें तो इसके अंदर जो है वो बदबू आने लगती है, एक गंदी स्मेल आने लगती है, और इस स्मेल को हम क्या बोलते हैं कि जो चीज है ये बदबू मार रही है। जैसे हम बोलते हैं ना बासी रोटी, बासी सब्जी, वो यही होता है, रेंसिडिटी जो होता है इसी को बोलते हैं। अब सर कैसे, जैसे आपने कभी जो है वो दो दिन की सब्जी को देखा होगा, दो दिन की कोई सब्जी हो उसको आपने देखा होता, उसके अंदर जो है वो स्मेल आती रहती है, उसके अंदर क्या आती रहती है, स्मेल। दो दिन पुरानी कोई सब्जी है
दो दिन पुरानी कोई सब्जी है उसके अंदर जो है वो बहुत ही बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? रैंसिडिटी रिएक्शन हो रही है। रैंसिडिटी रिएक्शन की वजह से वहाँ पर जो है वो सब्जी जो है वो बदबू देने लग गई, जिसको हम बोलते हैं कि भाई सब्जी जो है वो बासी हो गई। अब उसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो ऑयल से बनी हो या फिर फैट से बनी हो, जिनके अंदर फैट हो या फिर ये दोनों चीजें हो, ये जो है वो जैसे मान लो उनको खुले के अंदर रखा है, तो खुले के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, उस ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन करके और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो है इनके अंदर जो है वो बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटिस को बोला जाता है। अब सर इसको कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है वो ऑक्सीजन यहां से हटाना है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये जो ऑयल और जो फैट है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, यानी कि रैंसिडिटी जो रिएक्शन है वो होगी ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन को हटाओ। इसलिए जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, पहले तो उस पूरी जो भी उसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसके अंदर चिप्स डालते हैं, और फिर वो और ज्यादा लॉन्ग टर्म तक, भाई गैस तो चाहिए उसके अंदर, तो उसके लिए हम जो है नाइट्रोजन गैस उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि ये जो है बची हो थोड़ी हो तो ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होने दे। वहां पे ऑक्सीजन तो नहीं होगी, उसको तो हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। अब सर ये तो बात समझ में आ गई, इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप समझिए रैंसिडिटी रिएक्शन क्या होती है। रैंसिडिटी इज व्हेन द फूड विद फेट, ऐसा कोई सा भी खाना जिसके अंदर या तो फेट हो या फिर जो ऑयल से बनी हो, गेट्स ऑक्सीडाइज। जो फूड है ये क्या हो जाता है, फूड जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड इट चेंजेस द टेस्ट, अब यहां पर जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल खराब टेस्ट आपको आने लग जाएगा, और साथ के साथ आपको जो है वो स्मेल आने लग जाएगी खाने के अंदर। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो फूड है ये बासी हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं दो दिन पुराना जो खाना होता है उसको बोलते हैं बासी खाना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल बदबू आने लग गई। टेस्ट अगर आप उसका करेंगे तो बहुत बुरा आपको टेस्ट आएगा, तो इसका मतलब वो जो है वो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर या तो फैट था या फिर ऑयल से वो बना हुआ था। आपने अक्सर देखा होगा कि रोटी और अगर सब्जी की तुलना करें, रोटी और सब्जी का अगर कंपैरिजन करें तो सब्जी जो है वो जल्दी बासी हो जाती है, उसके अंदर जो है बदबू आने लग जाती है, लेकिन रोटी जो है वो जल्दी से बासी नहीं होती है, उसके अंदर बदबू नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑयल नहीं होता है और जो फैट होता है वो भी बहुत कम होता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है सब्जी के अंदर। सब्जी के अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर फैट होता है, इसकी वजह से सब्जी जो है वो जल्दी खराब होती है, जल्दी बासी हो जाती है, जल्दी उसके अंदर जो है वो बदबू आने लग जाती है। तो यहां तक की बात समझ में आ रही है कि रेंसिडिटी क्या होती है, कि जब खाने को हम जिसके अंदर फैट हो या फिर ऑयल हो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है? क्योंकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, और उसकी वजह से या तो इसके अंदर बदबू आने लग जाएगी या फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा या फिर दोनों तो होनी है ही। ऑक्सीजन इन द एयर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद फैट एंड ऑयल। मैंने आपको बताया कि भाई जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर, एयर के अंदर, जो चारों तरफ ऑक्सीजन है ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगी हमारे फूड के, और फूड में क्या है, फैट और ऑयल, तो फैट और ऑयल के ये कॉन्टैक्ट आ जाती है, कौन, ऑक्सीजन। इन द फूड आइटम्स एंड ऑक्सीडाइजेस द फूड, और हमारे जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। जो ऑक्सीजन है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है
वो ऑयल और जो फैट है उसके इस कॉन्टैक्ट में आती है और उसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। तो इसका मतलब हमारा कुल मिला जो फूड है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो गया इसका मतलब जो है वो उसके अंदर क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसके अंदर स्मेल आने लग गई, और ये दोनों चीजें आ रही हैं इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, रेंसिडिटी रिएक्शन हो गया। तो रेंसिडिटी अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, भी क्वेश्चन आ सकता है, रेंसिडिटी रिएक्शन क्या होती है, भाई जो ऑयल से और जो फैट से बनी हुई चीजें होती है, खाने की जो चीजें होती हैं वो ऑक्सीजन के या एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, हमारा जो खाना है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, उसकी वजह से जो है वहां पर ये बदबू देने लग जाता है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी रिएक्शन बोला जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि रेंसिडिटी क्या होती है, अब इसका रीजन भी तो बताओ, वैसे इसका रीजन इसी में आ गया लेकिन फिर भी आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाया था कि भाई रेंसिडिटी क्या होती है, पहले अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक की अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम इसका रीजन देंगे तो ये इस प्रकार से देंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट प्रोडक्ट्स इज टू अवॉइड रेंसिडिटी। जो खाने के पैकेट होते हैं जैसे चिप्स का जो पैकेट होता है जो कि ऑयल या फिर जिनके अंदर फैट होता है, उनको हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो फ्लश करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि खाने की जो चीजें होते हैं, खाने के जो पैकेट होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस फ्लश की जाती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन गैस। याद रखना नाइट्रोजन गैस, चिप्स का ऐसे याद रखना, चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। लोग आप बोलेंगे कि भाई चिप्स वाले जो है वो बेवकूफ है, वो अपने चिप्स ज्यादा दिखाने के लिए उसके अंदर गैस भर देते हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा दिन तक टिका रहे, खराब नहीं हो, उससे बचाने के लिए वो जो है अपने पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो भरते हैं। तो आप औरों की तरह मत बोलना कि भाई जो है वो ज्यादा दिखाने के लिए उसके अंदर गैस भर देते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, जो फूड पैकेट होते हैं उनको जो है ऑयल और जो फैट होता है ऐसे प्रोडक्ट्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो है इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, फ्लश की जाती है। विच रिजल्ट्स व्हेन द ऑयल और फैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जो ऑयल और जो फैट है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर और प्रोड्यूसेस एन अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट, ये जो है वो बिल्कुल एक बदबू आ जाती है, उनका जो टेस्ट खराब होता है उसको बचाने के लिए जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है उसके अंदर फिल करते हैं। जो हमारा फूड है जिसके अंदर ऑयल और जो फैट है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा, कहने का मतलब उनके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एक बदबू आने लग जाती है और जो उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। रिजल्ट फ्लैशिंग नाइट्रोजन क्रिएट्स एन अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट विच प्रिवेंट्स रेंसिडिटी, जब उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो यहां पर वो इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बना लेगा कि यहां पर जो फैट और जो ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, क्योंकि उसको जो रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर तो क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो वहां से जो है ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि वहां पर जो है वो किसी प्रकार की रिएक्शन हो ही ना, वो हमारा जो ऑयल और जो फैट है जो खाने की चीज है वो रिएक्ट करे ही ना, वो ऑक्सीडाइज हो ही ना, ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो इसका मतलब वो खराब नहीं होगी, उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, उसका टेस्ट जो है वो खराब नहीं होगा। तो उससे बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। देयरफॉर फूड प्रोडक्ट्स Containing fat and oil are flushed with nitrogen. और यही रीजन होता है कि जो खाने के जो पैकेट्स होते हैं जैसे चिप्स का जो पैकेट होता है जो कि ऑयल या फिर जिनके अंदर फैट होता है, इनको जो है हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उनको खराब होने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल करते हैं, फ्लश करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं।
एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ है बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए। देखिए, खाने की जो चीज़ें होती हैं, फूड आइटम जो होता है, जिसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो ऑयल या फिर फैट, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, खुले के अंदर जब इनको रखेंगे, जहाँ पर क्या होती है, एयर होती है, और एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन जो है ये ऑयल और फैट के साथ कंबाइंड हो जाती है, उनके साथ जुड़ जाती है। और किसी चीज़ के साथ जब कोई चीज़ जुड़ती, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। याद रखना, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीजन जुड़ता है, कंबाइंड होता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब बाहर निकलता है, रिलीज होता है, तो क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, जब ऑयल और फैट के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ता है, कंबाइन होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसका मतलब ये खराब हो गए, इनके अंदर जो है स्मेल आएगी, और ये जो है वो टेस्ट बिल्कुल खराब देंगे, ये टेस्ट खराब देंगे, और इनके अंदर जो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑयल और जो फैट हैं, ये क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। इससे बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको तो निकालो बाहर, और इसकी जगह भर दो नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस जो है उस पैकेट के अंदर ऐसा माहौल बना देगा कि भाई साहब ऑक्सीडाइज कैसे हो गए तुम, मैं हूँ यहाँ पर तो नाइट्रोजन हूँ मैं, तो मेरे साथ तो तुम ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते। यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी तो इसका मतलब उसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा। तो ये इसका कंप्लीट रीज़न है कि हम नाइट्रोजन जो गैस होती है वो फूड पैकेट के अंदर क्यों डालते हैं, क्यों उनके अंदर भरते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ कि भाई नाइट्रोजन गैस जो है वो क्यों भरते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उनको खराब होने से बचाने के लिए। और अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि भाई जो चिप्स वाले हैं वो बेवकूफ हैं, या फिर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि उस पैकेट के अंदर हवा भर देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि भाई उसके अंदर बहुत सारी चिप्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने जो फूड आइटम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बिल्कुल अच्छे से डिलीवर करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो जो है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो याद रखना, तो ये तो यहाँ तक की बात। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस प्रकार से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। केवल इतना सा लिखना है आपको आंसर, ये तो आपको समझाने के लिए। हाँ, लेकिन ये भी है कि रेंसिडिटी क्या होती है, व्हाट इज रेंसिडिटी, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसको कैसे आप लिख सकते हैं। तो पूरे का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेंसिडिटी क्या होती है, और इसका रीजन भी देख लीजिए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, तो इसका रीजन क्या होगा, ये हमने यहाँ पर इसका रीजन डाल दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर पर जाना, और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, जो हमारी शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा, चाहे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए आपको बिल्कुल फ्री के अंदर। तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे काम कीजिए, आप मेरा मोबाइल नंबर भी ले लीजिए, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर भी आप हमारे को मैसेज करके और नोट्स वगैरह मांग सकते हो, या फिर कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर लेना। और वैसे कोई दिक्कत हो वीडियो के अंदर, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट भी कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।